संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम सांभर हिरण और शंघाई हिरण के पास चलेंगे। सांभर हिरण एक स्तनधारी जीव है जो कि भारत के लगभग सभी जंगलों में मिलता है। बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर खाल और शाखा जैसी सींग इसे बेहद खूबसूरती प्रदान करती है। नर सांभर हिरण 225 से 320 किलो का होता है, वहीं मादा सांभर हिरण का वजन 135 से 225 किलो तक होता है। सांभर हिरण की टांगे बेहद मजबूत होती हैं, जिस कारण ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। शांत स्वभाव के ये हिरण जलीय भागों के निकट रहना पसंद करते हैं। सांभर हिरण की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो हल्की सी आहट को भी पहचान लेते हैं। हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी पशु है जो केवल घास, पत्ते और पौधे खाता है। इनका गर्भकाल 240 दिनों का होता है और ये एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। सांभर प्रजाति जो है वो हिरणों में पाया जाने वाला इंडिया में सबसे बड़ा हिरण है और इनका जो वजन है वो लगभग एडल्ट मेल में 200 से 300 केजी तक हो सकता है। पटना जू में इनकी संख्या लगभग 50 के करीब है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं और इनकी जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं और इनके लिए हमने पटना जू में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनका इनक्लोजर काफ़ी बड़ा है और इनके हैबिटेट से मिलते हुए और इनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसमें पानी की व्यवस्था की गई है, जिसमें पॉन्ड है। इसके अलावा साल्ट लिक वगैरह भी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। सांभरों के देखभाल के लिए यहाँ पे एक वेटनरी टीम है जो इसमें लगी रहती है और ज़्यादातर इनमें जो प्रॉब्लम आता है वो इनके इनफाइटिंग की वजह से होती है। ज़्यादा अगर इनका संख्या बढ़ जाए तो आपस में इन फाइटिंग का डर रहता है, जिसमें ये एंटलर से एक दूसरे को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। संघाई हिरण भारत के मणिपुर राज्य का एक संकट ग्रस्त प्रजाति का हिरण है। इसे IUCN द्वारा विलुप्त श्रेणी में रखा गया है। ये मणिपुर का राजकीय पशु भी है। पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी लोकटक झील के दक्षिण भाग में इसका निवास स्थल है। इसकी औसत आयु 12 से 15 वर्ष तक होती है। इसको डांसिंग हिरण भी कहते हैं क्योंकि बहुत सुनहले कलर का होता है ये, और इसके चलने पे एक मैंने नृत्य जैसा इनके चलने पर आभास होता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनकी रख रखाव पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ये संवेदनशील प्राणी हैं और इनके रख रखाव में पानी वगैरह इत्यादि के बराबर बदलाव होता रहता है। इनके भोजन में डियर मेस, पत्ते और मल्टीग्रेन मिक्सचर इत्यादि दिया जाता है और इनका आकार जो है लगभग हिरण प्रजाति के जैसा ही है, भूरे रंग का होता है, सुनहले कलर का होता है ये। इसकी एक खासियत ये होती है कि ये काफ़ी शर्मीले टाइप के होते हैं, दर्शकों को भी देखते हैं तो ये पीछे चले जाते हैं। दर्शकों को देखने के बाद में इनका अभाव बिल्कुल एकदम शून्य जैसा रहता है और ये काफ़ी आकर्षक करते हैं दर्शकों को अपने यहाँ।
संघाई हिरण का गर्भकाल 240 दिनों का होता है और एक बार में एक बच्चे को जन्म देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एनक्लोजर में। तब तक के लिए नमस्कार।